हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है एक्टिव हेल्पर्स और मैं हूं आपका हेल्पर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में प्लेस्टेशन 2 के गेम हैं या फिर प्लेस्टेशन पी मतलब पीएस पोर्टेबल पीएसपी के भी गेम्स हैं आपके पास या आप उसको खेलने के मुतमन्नी हैं, आप उसे खेलना चाहते हैं लेकिन आपके पास प्लेस्टेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ कंप्यूटर है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप प्लेस्टेशन के गेम अपने कंप्यूटर पर कैसे खेल सकते हैं। तो बगैर किसी एडिटिंग के मैं आपको सीधे ले चलता हूं अपने इंटरनेट पर। सबसे पहले आप जाइए अपने ब्राउज़र में, गूगल पे डालिए MU पैराडाइज, ये आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। जल्दी से आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की वेबसाइट है .me, इस पर क्लिक कीजिए, ये आपके पास पेज खुल जाएगा। तो इसके अंदर आपको सर्च पे डालना है PS2, ठीक है, PS2 डालने के बाद आपको क्योंकि इम्यूलेटर की ज़रूरत पड़ेगी पहले, तो आप पहले इम्यूलेटर डाउनलोड कीजिए, ये देख लीजिए इम्यूलेटर्स पर क्लिक कीजिए और देखिए सबसे पहले जो इम्यूलेटर है ये आप इस पर क्लिक कीजिए क्योंकि ये 13 MB का है। सिस्टम सोनी प्लेस्टेशन 2 प्लेटफॉर्म विंडो, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिए आप वर्जन जो इसका डाउनलोड करें वो 0.9.8 ही करें क्योंकि सबसे सिंपल और बढ़िया वर्जन है इसका। इसका एक लेटेस्ट वर्जन आया है 1.4.0, वो हर कंप्यूटर के लिए सपोर्ट नहीं होता, तो इस वजह से मेरा आपसे सजेशन यही है कि आप ये वर्जन डाउनलोड कीजिए। तो डाउनलोडिंग पे क्लिक कर दीजिए फिर डाउनलोडिंग, और देखिए ये आपकी डाउनलोडिंग होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये जब कंप्लीट हो जाए तो आप इसे इंस्टॉल करें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास कहाँ पड़ी भाई गेम्स एम्युलेटर्स, ये देखिए ये आ गया भाई, ठीक है, PCSS2 0.9.8, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यस, नेक्स्ट इंस्टॉल, और ये अपने जो चलाने वाले मतलब उसके सिस्टम में उनको भी इंस्टॉल करेगा, तो आप उसे करने दीजिए, उसे काम में डिस्टर्ब आप कीजिए उसे, ठीक है। ओके, ये हो चुका है, हम इसे क्लोज कर देते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका शॉर्टकट भी आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये ध्यान से देखिए कि इसकी बेसिक सेटिंग भी हर किसी से नहीं होती, तो इसे हम भाई इसे हम ओपन करेंगे। तो ये बेसिक सेटिंग मांग रहा है, इसे डिफॉल्ट करके कर दीजिए नेक्स्ट। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन खुद बनाई है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप देख भी सकते हैं वैसे, लेकिन मैं आपको बात को बताऊंगा। नेक्स्ट अप्लाई सेटिंग करा। अब देखिए ये कह रहा है कि बायोस रोम को सिलेक्ट कीजिए तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा, लेकिन बायोस रोम तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो इसे ऐसे रहने दीजिए। आप अपने कंप्यूटर के जो लोकल डिस्क सी होती है जिसमें विंडो इंस्टॉल होती है उसमें जाइए, यूजर्स डॉक्यूमेंट, ये आ गया, इसके बायोस फोल्डर में जाइए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर बायोस डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा यहाँ पर इम्यूलेटर्स, ये PS2 BIOS, ठीक है, ये है फाइलें सारी, इन सब फाइलों को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। और इसे बंद नहीं करते क्योंकि आप सोचेंगे कि PS2 BIOS कहाँ से आई है, वो मैं दोस्त आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे डालिए PS2 BIOS 4, या ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ये आ गया PS2 BIOS का लिंक,
बस इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप समझिए, इसको आप एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने आपको लोकेशन पहले बता दी है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इसे बंद कर देते हैं। रिफ्रेश लिस्ट जैसे ही करेंगे आप, आपके पास में वो बायोस आ जाएगी। आप चाहें तो जापान का, चाहें यूएसए का, किसी भी का भी कंसोल डाउन वो कर सकते हैं सिलेक्ट। ज़्यादा बेहतर जापान का रहेगा। और कर दीजिए फिनिश। ब्रेकिंग सक्सेसफुली हो चुका है, उसको चाहे तो बंद कर दें, चाहे खुला रहने दें। अब देखिए, ये आपका आ चुका है इम्यूलेटर प्ले PS2 का। इसके लिए आपको सबसे पहले जाइए ब्राउज में। अगर आपके पास कोई गेम डाउनलोड है PS2 का या आपका पहले से मौजूद है, तो आप उसमें उसे सिलेक्ट करिए। मेरे पास हैं गेम्स गॉड ऑफ वॉर। आप जानते होंगे गॉड ऑफ वॉर PlayStation 2 का सबसे फेवरेट गेम है। ठीक है, ये है गॉड ऑफ वॉर 2। मेरे पास मन भी है, कॉस्टोवेज पार्ट भी है, इसे ओपन कर लें। ठीक है, ये iOS फाइल जो है सिलेक्ट हो चुकी है। बस आप उसको बूट CD/BD पे क्लिक कीजिए। आवाज़ हल्की कर दीजिए। ये देखिए भाई, ये चलने तो लगा, लेकिन आप सोचेंगे ये तो बड़ा हैंग कर रहा है, मज़े क्या है खेलने में, उसकी टेंशन न लें आप। वीडियो पे जाइए, प्लगइन, इस पर नेटिव पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। फिर इम्यूलेटर पे जाइए, GS और कंस्टेंट स्किपिंग पे टिक करिए, इसको ज़ीरो कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ये भाई साहब, आपका गॉड ऑफ वॉर रेडी है खेलने में। और आप चाहें तो कोई से भी गेम iOS सिलेक्टर पर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। Thank you for watching.